अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आप भी कुछ लोग हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पूरे चुनाव में हमसे कोई गलती भी हो तो अपना समझ के मैं माफ करना, बाकी मैं किसी गतिविधि को रोक भी रहा हूँ आपको कि क्या छापेंगे और क्या देंगे, इससे पूरे इसकी पालना में क्योंकि हम और आप मिलते रहते हैं, सब बातें होती है, पर अधिकृत रूप से चूंकि कांग्रेस का कार्यालय का उद्घाटन आज हम करने जा रहे हैं, शाम को 6:30 बजे आज ओपनिंग है कांग्रेस कार्यालय का, हम आपको वहाँ भी आमंत्रित करते हैं, पार्टी की ओर से आप सादर आमंत्रित हैं। उसके मैं गुलामी नहीं मानता हूँ, थोड़ी बहुत चुनाव चक्कर है, आप लोग लेते हैं विशेष रूप से मेहमान करते हैं, मुझे उससे अच्छा लगता है। मुझे तो हमारे वरिष्ठ नेता एक कहते थे, वो कहते थे कि नाम छपना चाहिए कैसे भी हो, चाहे श्रद्धांजलि पे हो या चाहे स्वागत पे हो। अब तो फिर प्रिंट मीडिया और सब कुछ आ गया, पहले पेपर मतलब हो गया कि दिल्ली है, भास्कर में दो लाइन छपते थे, पहले हम मतलब कि पार्टी का चुना जा रहा है, निवास में विकास की शुरुआत अगर किसी ने करी है तो वो कांग्रेस पार्टी। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा कि देवास में अगर कोई रेल लाया तो हमारे पटवारी साहब लाए थे, जो वो विधायक थे। देवास में इतना बड़ा जिला संस्थान जो दिया तो हमारे चंद्रभा शेखर जी दी थी, और भी जो बड़ी बड़ी आज देवास में इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बना है तो हमारे अर्जुन सिंह जी की देन थी। आज देवास में जो बड़े बड़े हमारे चाहे वो सीमा संताल हो और भी जो उपलब्धियाँ हो हमारे सबका, ऐसी कोई भी उपलब्धि उसके खाते में नहीं है कि जिसको गिनाया जा सके। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब चीज़ों का आकलन करके और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और हमारे युवा प्रत्याशी को मदद करें, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। उसकी अच्छी तरह से उभारा भी है और लोगों के बीच में चर्चा का विषय अगर कोई बनाता है तो हमारा पत्रकार जरूरी बनाता है, और उसी सर्वे के आधार पर मुझे लगता है कि प्रदीप को माननीय कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, शीर्ष नेतृत्व को हमारे खड़गे जी ने टिकट यहाँ तक दिया है। अब बात आती है चुनाव की, चुनाव में आपने कई चुनाव हम लोगों को लड़ाए हैं, पत्रकार ये लड़ाता है चुनाव को, कैसे लड़ाता है कि पत्रकार की भूमिका आम होती है, सच्चाई को सामने रखकर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़े उसकी बात को वो जनता तक पहुंचाए, जनता उसके बाद में जनादन होती है। आप सबको बात करें हम तो आज सबसे अच्छे उम्मीदवार के रूप में संसद के आधार पर संगठन की रिक्वेस्ट पर प्रदीप चौधरी को टिकट दिया गया है। अब सिंधिया जी आने की तो पीछे नहीं थी, इनको तो किसी को जब कह रहे थे यहाँ पर बाहर से जाते थे, आज की बात करें सशक्त उम्मीदवार हमारा आपने पार्टी ने दिया है। जी हाँ बिल्कुल, उनका गठन का ये रहती थी टिकट छोड़ रहे थे और कभी गुजरात में आज तक जवाब विधानसभा में सिंधिया राजकारण कभी नहीं आया। ये संगठन का काम है, इसको काम देना वो जो हर हर की
सामने रोजगार की जो बात मैंने आप लोगों के सामने की है, आप उन 20,000 मजदूरों की आवाज बने जो 265, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, 265 उद्योग देवास में बंद हो गए और 20,000 मजदूर बेघर हो गए, जिनके प्राइवेट फंड, ग्रेजुएटी और इनकी बात तक मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं उठाई गई। ये एक बड़ा आंकड़ा है। किसी को रोजगार नहीं मिले वो तो अपनी जगह, लेकिन जिसने जीवन भर काम कर दिया और जिसने अपने खून पसीने से उस फैक्ट्री को खड़ा किया और वो जब फैक्ट्री बंद हुई उस समय बैंक वालों को तो पैसा मिल गया, वो सेठ ने जमीन बेच दी और जमीन बेचने में दलाली का काम भी स्थानीय विधायक के पुत्र द्वारा कर दिया गया, उनको न्याय नहीं मिला। ये लड़ाई उनकी है। मेरे तीन मुद्दे, चौथा मुद्दा, एक शहर के अंदर एक मां दुर्गा भवानी चामुंडा के आशीर्वाद से नक्शाविहीन, नशाविहीन और नशा बेचने वालों का भी नाश करने का संकल्प आप लोगों ने लिया है। नशा नहीं रहेगा देवास में, नशा नहीं बिकेगा देवास में, ये हमारा संकल्प है। इन बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और साथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, झूठ सच की बात आपके सामने उजागर होती है। मैं चाहता हूं दमदारी से इस बात को इस चुनाव में लिखे आप कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो बार आकर अगर मंच से कहते हैं सिंगापुर देवास को सिंगापुर बनाने की बात करते हैं और पेकी और नजुल की बात कर जाते हैं, जब शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री के बात करने के बावजूद अगर वो यहाँ पर लोग परेशान हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये बात आप लोग हम लोगों को तय करना पड़े। ये मुद्दे भी हम लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। साथियों मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे इतने हैं कि अगर सुबह से शाम तक भी हम बोलते रहे तो मुद्दे खत्म नहीं होंगे, लेकिन मैं देवास के मेरे प्यारे एक आम नागरिक को अपने बच्चों के लालन पालन किए और अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल देने की उनकी चिंता में एक पत्रकार साथी को भी आज मैं अगर बात करूं मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग अलग में कांग्रेस बसती है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी एक बात कहना चाहता हूं, बड़े इसके साथ जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि देवास का चुनाव अब की बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से परे देवास के हर नागरिक का चुनाव है। वो चुनाव क्यों है? आज वो लोग एक तरफ खड़े हैं जो ड्रग्स का धंधा करवाते हैं, आज वो लोग एक साथ खड़े हैं जो गली गली में दारू बिकवाते हैं, आज वो लोग एक साथ में खड़े हैं जो शमशान तक तुलवाते हैं, आज वो लोग एक साथ में खड़े हैं जो 6 डिग्री की ठंड के अंदर नाटा में मकान तोड़वाते हैं, आज वो लोग एक साथ में खड़े हैं जिन्होंने नगर निगम का भंडार ढाल कर दिया, आज वो लोग एक साथ में खड़े हैं जिनको हम सामंतवादी कहते हैं, जिनके सामने आज तक किसी आम नागरिक को किसी प्रकार से अपने विधायक, एक आम नागरिक को जो विधायक के अधिकार होते हैं उन अधिकारों से वंचित करने वाले लोग एक साथ खड़े हैं। देवास को खड़ा होने की जरूरत है और मैं आज आप सब लोगों से मदद चाहता हूँ, आज आप सब लोगों से आपका सहयोग चाहता हूँ कि इस लड़ाई में, इस धर्म के युद्ध में आप धर्म के साथ आइए और ये धर्म की लड़ाई को जीतना विजय बनाइए। हम आज कार्यालय का ओपनिंग करने के साथ साथ पूर्ण रूप से चुनाव में उतर जाएंगे। हमारा जो भी हमारी चुनाव संचालन समिति है जिनका जैसा जैसा निर्णय रहेगा हम उस तरीके से काम करने लग जाएंगे, लेकिन मैं आप सब लोगों से इतना विनती करता हूँ मेरे पक्ष में ना लिखे, मेरे पक्ष की बातें ना करें, लेकिन जो देवास में वास्तविक गतिविधियां है, जो वास्तविक देवास में अभी ये 20 दिन हमारे पास में, हम 4.5 साल जिन चीजों का विरोध करते हैं और हम रास्ता देखते हैं कि अब आज चुनाव हम फिर सही लोगों को सही जगह बिठाएं और गलत लोगों को सत्ता से दूर हटाएं, तो उस मुहिम में आपके अंतर मन में जो बात आती है, अगर हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा होती है और उस आत्मा के अंदर से जो आवाज आपके अंदर से आती है उस आत्मा की आवाज सुनकर इस चुनाव में अपना योगदान जरूर दें। आपको ये किसी के कोई प्रश्न हो, ड्रग्स की मंडी देवास बन गया है, वो लोग खड़े
जो अवैध गतिविधियां देवास में संचालित हो रही है, बाईपास में हमने आज तक जो नहीं देखा देवास में वो देखा, जिसमें मेरा एक खुला आरोप है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का इन्वॉल्व हो गया, जिन्होंने अनगढ़ कार्य देवास से बाईपास पर चला है। ये माँ दुर्गा भवानी चामुंडा माता का देवास जिसको कलंकित करने में उन लोगों ने किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी, ये चुनाव उनके खिलाफ है। आप प्रदीप से मोहब्बत करें या ना करें, आप प्रदीप का समर्थन करें या ना करें, लेकिन आपको आने वाली पीढ़ी को सिक्योर करना पड़ेगी, उसको सुरक्षित करना पड़ेगी। ये जिम्मेदारी मेरे समस्त पत्रकार साथियों की और मेरी भी और इस मंच पर बैठे सब लोगों की है। साथियों लड़ाई बड़ी है, हम सब लोगों ने जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों को कराते हुए देखा, उस समय मेरे मीडिया के साथी और हम लोग देवासी मेलियों में उस कोरोना काल में घूमते थे। निश्चित तौर पर उस कोरोना काल के पहले जो मेरा राजनीतिक जीवन था, उस कोरोना काल के बाद जो मेरा राजनीतिक और सामाजिक जीवन आया है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा का योगदान है तो आप मीडिया साथियों का। साथियों आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी, मेरी तो जिम्मेदारी बड़ी है, साथ में समस्त मीडिया के हमारे सभी साथियों की जिम्मेदारी है कि एक अच्छी व्यवस्था हम देवास में सुचारू रूप से चलाएं, एक अच्छी व्यवस्था हम देवास में बनाएं। और आप लोग पत्रकार के साथ साथ एक नागरिक भी है देवास के, भैया एक मिनट मेरी आवाज थोड़ी सी है। आप 20,000 मजदूरों की आवाज बने, जो 265 बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, 265 उद्योग देवास में बंद हो गए और 20,000 मजदूर बेघरों में, जिनके प्राइवेट फंड कैजुअलिटी और इनकी बात तक मध्य प्रदेश में विधानसभा में नहीं उठाई गई, ये एक बड़ा आंकड़ा है। किसी को रोजगार नहीं मिले वो तो अपनी जगह, लेकिन जिसने जीवन भर काम कर दिया और जिसने अपने खून पसीने से फैक्ट्री को खड़ा किया और वो जब फैक्ट्री बंद हुई उस समय बैंक वालों को तो पैसा मिल गया। आज वो लोग एक साथ में खड़े जिन्होंने नगर निगम का भंडार ढाल कर दिया, आज वो लोग एक साथ में खड़े जिनको हम सामंतवादी कहते हैं, जिनके सामने आज तक किसी आम नागरिक को किसी प्रकार से अपने विधायक एक आम नागरिक को जो विधायक अधिकार होंगे उन अधिकार से वंचित करने वाले लोग एक साथ खड़े। आज हम जिस प्रकार के ड्रग्स की मंडी देवास में गया है वो लोग खड़े जो अवैध गतिविधियां झूठ सच की बात आपके सामने उजागर होती है। मैं चाहता हूँ दमदारी से इस बात को चुनाव में लिखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों बार आकर अगर मंच संख्या थे सिंगापुर देवास को सिंगापुर बनाने की बात करते हैं और फेंकी और नजर की बात कर कर जाते हैं, तब शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री के बात करने के बावजूद अगर तो यहाँ पर लोग परेशान है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये बात आप लोग हम लोगों को तय करना पड़ेगी। मुद्दे भी हम लेकर जनता के बीच जा रहे हैं साथियों, मुद्दे बहुत है, मुद्दे इतने हैं कि अगर हर एक केस को अगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें से 90 केस इनको रेफर कर दिए जाते हैं। एक लड़ाई हमारी वो है, दूसरी शिक्षा की है, सभी के बच्चे हैं, सभी को हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे देवास में शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन आज देवास में शिक्षा को लेकर इनका समर्थन करें या ना करें, लेकिन आपको आने वाली पीढ़ी को सिक्योर करना पड़ेगा, उसको सुरक्षित करना पड़ेगी, ये जिम्मेदारी मेरे समस्त पत्रकार साथियों की और मेरी भी और मंच पर बैठे सब लोगों की है। साथियों लड़ाई बड़ी है, हम सब लोगों ने जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों को कराते देखा और जब लोगों को मदद क्यों मिली थी उस समय लोगों ने आश्वासन दे दी, ऐसी सख्तियों Yes.
बिल्कुल जी भैया, बताएं आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किन मुद्दों को लेकर आज आपने पत्रकार वार्ता की है? चुनावी समर शुरू हो चुका है, मैंने आज मीडिया के साथियों से मदद मांगने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इन चुनाव को मुद्दों पर लेकर जाए। मीडिया से आग्रह किया है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं देवास के, उन मुद्दों को ज़्यादा आगे लाया जाए, चाहे नशे के खिलाफ हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, या रोजगार को लेकर हो। कांग्रेस ने जो है आपके ऊपर इस बार जो है देवास विधानसभा से विश्वास जताया है, क्या मानते हैं, क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? जीतेंगे चुनाव जी। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच? यही पांच मुद्दे हैं मेन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और एक अच्छा वातावरण। लेकिन क्या मानते हैं, मतलब आप मानते हैं कि जो है वर्तमान जो विधायक है इनको आप पटकने दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे, जनता पटकने देगी, मैं कौन देने वाला, जनता के अंदर रोष। तैयारी आपकी चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारी चालू हुई है अभी, दरअसल मेरा पहला चुनाव है, शुरू शुरू में जमने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दो चार दिन में सारी चीज़ें हो जाएगी।